मुझे एकदम शिलोंग का याद आ रहा है। शिलोंग में जो अभी थोड़ा आगे जाके हमें मैप चेक करना पड़ेगा कि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं। मेरा दोस्त जो कि बोल रहा है थोड़ा देर रुक जाते हैं अगर बाई चांस। ये रहा हमारा रूम, अच्छा है ना? यहाँ से व्यू अच्छा है। व्यू हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो तारावीर से जाएंगे टुवर्ड्स नामची। ठीक है, अब यहाँ से नामची कितना दूर है देखते हैं। वेदर तो बहुत ही ज़्यादा फॉगी है यहाँ पे, ठंड भी बढ़ रहा है, तो वहाँ पे जाकर देखते हैं क्या कुछ सीन है। यहाँ का वेदर तो एकदम अपोजिट है, पूरा कोहरा हुआ है, बारिश भी आता है जाता है, कोई मतलब टाइमिंग नहीं है बारिश का। अभी बारिश है, अभी बारिश नहीं है। बहुत साल बाद आया हूँ मैं सिक्किम में, तो थोड़ा अच्छा से घूम लेता हूँ। तो शायद मैं आज रवंगला या नामची में रुकूँगा, आज यहीं पे स्टे करना है। अगर होगा तो घर लौट जाएंगे, पर घर लौटना शायद नहीं होगा आज, क्योंकि बहुत दूर है ना यहाँ से, तो मतलब घर जाने से अनएक्सपेक्टेड है। ये शायद कोई मतलब विलेज का रोड है, कौन सा विलेज है वो तो मालूम नहीं, पर थोड़ा बहुत घर भी दिख रहे हैं इधर उधर। किधर जाएगा? ओ रवंगला जाएगा इधर से। चलिए रवंगला जाएंगे तो फिर टाइम है तो रवंगला देख लेते हैं ना, ज़्यादा दूर तो यहाँ से है नहीं। पर ये वाला कौन सा मार्केट है? ये मार्केट का नाम तो मुझे मालूम नहीं है। साउथ सिक्किम। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स रवंगला, तो काफ़ी मज़ा आएगा। और जो टाइमिंग रहता है आपका शाम को 6 बजे तक रहता है, 6 बजे तक, सुबह का 10 बजे से 6 बजे तक रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग वहाँ पे जाके वहाँ पे विज़िट करके फिर लौटेंगे, शायद नामची लौटेंगे या तो रवंगला में रह जाएंगे हम लोग। लेट्स सी क्या होता है। स्कूल छुट्टी हो चुका है और सब बच्चे जा रहे हैं घर। पहले तो स्कूल हम भी जाते थे ऐसे ही तरह जाते थे, पर इतना चलना नहीं पड़ता था जितना इन लोगों को चलना पड़ता है यहाँ पे। अभी मैं आया हूँ आपका साउथ सिक्किम में, उसके बाद जाऊँगा नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, आस्ते आस्ते कवर करूँगा सब जगह, पर इस बार मैं यहाँ आया हूँ तो सारा प्लेस कवर करूँगा, पर इतना जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम चाहिए मुझको, क्योंकि मेरा तो खुद का बिजनेस भी है ना, तो वो भी देखना पड़ता है, साथ साथ ब्लॉगिंग बनना करना पड़ता है, और पैसा तो कुछ मिलता नहीं ब्लॉगिंग करके मुझको, मतलब यूट्यूब से अभी के लिए, बाद में पता नहीं है कुछ भी हो सकता है, पर अभी तो नहीं मिल। अभी तो मुझे ना ये रास्ता देख के और ये रास्ता जो चला रहा हूँ ना, मुझे एकदम शिलोंग का याद आ रहा है। शिलोंग में जो रास्ते हैं ना ऐसे ही है, वो तो इधर में पहाड़ पूरा दिखता है और अभी पूछ रहा रवंगला कहाँ से जाना पड़ेगा। तो राइट ना वी आर इन नामची। यहाँ का सब कोई अच्छा है, लाइक आपसे अच्छा से मिलेगा ना। तो गाइस नाउ वी आर इन नामची। तो हाँ इधर से आपको राइट लेना पड़ेगा एंड रवंगला जो कि आपका 26 किलोमीटर यहाँ से। नाइस, चलिए फिर जाते हैं। सो रवंगला जाने का रास्ता हमने ले लिया है और यहाँ से रह गया आपका जादू रहे नहीं 24 किलोमीटर से यहाँ से। रास्ता भी तो एकदम मक्खन है ना, बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है यहाँ पे। कोई तो हमें कह रहा था कि ऊपर में आपको देखना ही मुश्किल है, मतलब इतना ज़्यादा फॉगी रहता है ना। देखिए ना अभी वो इधर ठीक था और फिर अभी यहाँ से रास्ता क्या है दिख नहीं रहा है कुछ आगे में। ओह माय गॉड, अगर ऐसा क्लाउडी रहेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा जाके, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा ना जो व्यू है ऊपर का।
और बारिश स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। आई होप कि जल्दी से जल्दी बारिश रुक जाए और मुझे ब्लॉगिंग करने में परेशानी ना हो। GoPro का चार्ज भी ख़त्म होने वाला है और 40% सीफ है। अब देखते हैं, अगर आगे भी कवर हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। बैटरी मैंने चार्ज करने भूल गया था घर पे, तो इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। देखते हैं, शायद कंप्लीट हो जाएगा इतना चार्ज से। कितने जानू पड़ सो मा हो राइट पर्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू। हुन्छ। और यह आपका रबंगला बाजार है। रबंगला बाजार से हमें जाना है स्ट्रेट बड़ा बाजार है ना यहाँ पे। तो रास्ता देखते तो लग रहा था कि इधर में कुछ भी नहीं है, पर बड़ा बाजार है, बड़ा सा बाजार है यहाँ पे। ये तो मुझे गैंगटॉक जैसे लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंडा है ना, मेरा हाथ भी अब काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, इतना ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे, कुछ फील नहीं हो रहा हाथ में, क्लच दबाना ही मुश्किल हो चुका है यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया रास्ता है ना, उस तरह से नज़र है यहाँ का, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो एंट्री आपको यहीं से लेना है, वहाँ पे टिकट काउंटर भी है, शायद खुला है अभी तक, तो अब थोड़ा देर बाद में बंद हो जाएगा पूरा। देखिए तो कितना सुंदर है ना। सो वी हैव टू टेक टिकट फ्रॉम हियर। टिकट काउंटर टाइमिंग इज 9 AM to 5:30 तक। हवा तो बहुत अच्छा चल रहा है, अंदर में हमने एंट्री ले चुका है, कुछ भी दिखाई नहीं रहा। टिकट कितना लिया, दो टिकट का 100 रुपये लिया, दो टिकट का गाड़ी देखा पर रेट 50 है। गाड़ी देखा वो वहाँ पे दो चार गाड़ी भी है, मतलब आप उसमें घूम सकते हैं, पर यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। वो गोल्फ में होता है ना गाड़ी, एक ना वो वाला है ना, इधर से तो बहुत बड़ा है, देखिए ना। हाँ वही तो करेगा, सोच रहा, देखना उतना बड़ा स्टैचू है, देखा स्टैचू, यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बेकार हो गया ना। अगर सुबह आते तो शायद देखने को मिलता, पर अभी के लिए तो कुछ नहीं है यहाँ पे। इतना बड़ा स्टैचू है ना, पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग यहाँ पे रुक सकते थे पर ना, काफ़ी ज़्यादा है ना यहाँ पे होटल का प्राइस वगैरह। ज़्यादा नहीं ना, ये छोटा है, सिटी है ना। और छोटा छोटा प्लेस है तो ज़्यादा चार्ज करते हैं यहाँ पे, चार्ज रुका के फायदा भी होता है। हाँ ऐसा यहाँ पे और कुछ है नहीं, ये बुद्धा का जो पार्क है ये छोड़कर यहाँ पे कुछ नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है चढ़ने से ऊपर बुद्धा का स्टैचू, व्यू वही है, बहुत बड़ा है ना। मेरा दोस्त जो कि बोल रहा है थोड़ा देर रुक जाते, अगर बाय चांस व्यू अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर अच्छा है ना। तो थोड़ा देर के लिए यहाँ पे बैठ चुके हम लोग और वेट करते हैं, फिर यहाँ से निकलना है नामची को। नामची आपका कितना है यहाँ से? 47 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और टफ है ना रास्ता, क्योंकि रास्ते में कुछ दिखाई नहीं देता है और बारिश भी बहुत ज़्यादा है रास्ते में।
आते वक्त तो कुछ मैं मतलब ब्लॉगिंग कर नहीं पाया, लेकिन रेनकोट ला के रेनकोट के अंदर भी सब भीग चुका है, इतना ज़्यादा है। चले फिर निकलते हैं अंदर से। अब मतलब अंदर में तो जो आप देखा ना कि व्यू उतना अच्छा नहीं आ रहा है, मैं बहुत देर रुका वहाँ पे कि व्यू थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा बोल के, पर हुआ नहीं। तो हम लोग का जो होटल है ना वो रहा, हमने होटल पहले ही बुक करके आया था हम लोग, जब हम लोग थे नामची में तब वहीं से बुक किया था हमने ऑनलाइन में। फिर जाते फिर वहाँ से जो व्यू मिलता है ना दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, रूम के अंदर जाके। ये रहा हमारा रूम, अच्छा है ना? सोचा नहीं था मतलब इतना अच्छा दिखेगा व्यू यहाँ से, देखिए ना नीचे से तो लिटरली कुछ दिख नहीं रहा है। लॉक थोड़ा फेवर कर रहा है ना, थोड़ा सा रास्ते में बारिश मिला है वो तो कुछ नहीं, वो तो ऐसा तो होता ही है ना। और रूम के साथ साथ अगर ऐसा व्यू मिले और क्या चाहिए ना। एडिटिंग के लिए टेबल वॉल भी देखा तो आई, फिर एडिटिंग भी करना है मुझको। और मतलब यहाँ पे ना मतलब आप खड़ा होकर मतलब आप यहाँ से नज़र अपना हटा नहीं सकते, इतना बढ़िया व्यू है यहाँ से। तो फिर नीचे से फिर कोई व्यू नहीं मिल रहा है ना, हाँ नीचे से मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा लिटरली, पर यहाँ से कितना बढ़िया दिख रहा है, देखिए ना, अच्छा लग रहा, मज़ा आ गया मुझे तो।